दादा आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हुए यहां बैठे हुए 370 के कारण आतंकवाद घटा है, आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईएम न होता, न एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे, जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक को पेश किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के मसले पर गलतियां नहीं बल्कि ब्लंडर किए हैं, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। उन्होंने कहा कि पहली गलती ये थी कि 1947 में जब हमारी सेना जीत रही थी तो सीज फायर कर दिया गया। ऐसा नहीं होता तो पीओके आज भारत का ही हिस्सा रहता। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दूसरी गलती ये थी कि वो जम्मू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। यही नहीं, उन्होंने नेहरू की ओर से शेख अब्दुल्ला को लिखे एक खत का अंश भी पढ़ा जिसमें नेहरू ने यूएन जाने और सीज फायर करने को गलती माना था। नेहरू के पत्र का अंश पढ़ते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संयुक्त राष्ट्र से कुछ मदद नहीं मिलेगी। सीज फायर सही फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गलत समय पर लागू किया गया था, इसकी बजाय कुछ और फैसला लेना चाहिए था। पत्र का हिस्सा है, मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और पर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अमित शाह ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में नेहरू ने ये मान लिया था कि ये उनकी गलतियां थी। इस पर जब खूब हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि अगर आपको गुस्सा ही होना है तो नेहरू जी पर हो, ये बात मैंने नहीं बल्कि उन्होंने ही अब्दुल्ला को पत्र लिखकर कही थी। अरे यार, नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं? राजा मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने माना था कि ये गलती थी, लेकिन ये भूल नहीं ब्लंडर था, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। अमित शाह ने कहा कि उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना ही था तब भी जल्दी की गई। यदि ले ही गए थे तो चार्टर 35 की जगह 51 के तहत ले जाना था। उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था तब भी निर्णय बहुत आनंद फानंद में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह
51 के तहत ले जाना चाहिए था, मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था, इसकी जगह 35 पर ले गए, वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाए। कुछ लोगों को मेरी भाषा खराब लगती है, लेकिन मैं तो देश की ही भाषा बोलता हूँ। कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूँ। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग तो आर्टिकल 370 हटाने पर खून की नदियां बहाने की बात करते थे, लेकिन हमने आतंकवाद के इकोसिस्टम पर ही हमला किया है। हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे तो हम क्या कर देते। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।